दोस्तों, कहानी का नाम है मेरी ननद नौकरानी नहीं। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नंदिनी आज सुबह से बहुत खुश थी। वह सुबह से ही भाग भाग कर रसोई घर में कभी पकवान बनाने में अपनी माँ की मदद कर रही थी, तो कभी घर की साफ सफाई और साज सज्जा में लग जाती। बात ही कुछ ऐसी थी कि आज उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज साल भर के बाद उसके भाई और भाभी आने वाले थे। साल भर पहले ही उसके भाई की शादी हुई थी और तब से वह अपनी पत्नी को लेकर बाहर चला गया था। और आज नंदिनी अपनी भाभी से मिलने वाली थी और उसके साथ कुछ दिन बिताने भी वाली थी। वैसे तो वह अपनी भाभी से फोन पर बातें कर लिया करती थी, जिसके कारण दोनों ननद भाभी में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। नंदिनी की भाभी अपेक्षा का स्वभाव बहुत ही निर्मल और सरल था। वो अपने मीठे व्यवहार से हर किसी को अपना बना लेती थी। उसके दिल में करुणा का सागर बहता था। नंदिनी का भाई सोम भी नंदिनी को बहुत प्यार करता था। नंदिनी के दर्द भरे जीवन में उसके भाई के प्यार का ही सहारा था। नंदिनी जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी। उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। वो अपने लिए नई पत्नी तो ले आए, लेकिन नंदिनी को कभी भी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ। नंदिनी को आज तक समझ में नहीं आया कि नई माँ को उससे क्या परेशानी थी, जो उन्होंने कभी उसे बेटी के रूप में देखा ही नहीं। नई माँ अपने बेटे सोम को भी साथ लाई थी। वो नंदिनी से 2 साल बड़ा था। माँ का स्वभाव चाहे जैसा भी हो, पर भाई बहन में खूब बनने लगी थी। कुछ सालों के बाद नंदिनी के पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया और सोम पढ़ाई के लिए हॉस्टल चला गया। नंदिनी की माँ का व्यवहार नंदिनी के प्रति कभी भी नहीं बदला। नंदिनी घर के सारे काम करती और माँ भी बस उससे काम भर का मतलब ही रखती। नंदिनी की अपने खुद के घर में ही एक नौकरानी से ज्यादा कोई हैसियत नहीं थी। ना तो उसे कभी बेटी का प्यार मिला और ना ही कभी बेटी का मान मिला था। नंदिनी अकेले रात में छुप छुप कर रोती। उसे लगता जैसे उसके जीवन में प्यार का कोई स्रोत ही नहीं है। बस जब कभी उसके भाई भाभी का फोन आ जाता था, तब उसके छलनी हुए मन को थोड़ी सी शीतलता मिल जाती थी और वह भी 2 पलों के लिए मुस्कुरा उठती थी। जब से उसे पता चला था कि उसके भाई और भाभी आने वाले हैं, तब से माँ की डांट और ताने भी वह हंस कर नज़रअंदाज कर दिया करती थी। कुछ ही समय के बाद बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। नंदिनी भाग कर दरवाजे तक पहुंची, तभी पीछे से उसकी माँ भी दौड़ती हुई आई और अपने बेटे बहू से मिलने के उतावलेपन में नंदिनी को झिड़कते हुए बोली, तू कहाँ चली, जा भीतर जा और अपना काम देख। माँ का यह रूप देखकर नंदिनी का दिल एक बार फिर से टूट गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए और वह अपने आंसुओं को छुपाकर वहां से वापस चली गई। रसोई में आकर वो खूब रोई और अपने दिल का बोझ हल्का करने लगी। तभी बाहर से माँ की आवाज आई, अरे नंदिनी जरा चाय नाश्ता लेकर आ। नंदिनी ने अपने आंसू पोछे, खुद को संयत किया और शून्य में ताकती हुई नाश्ता निकालने लगी। वो पथराई आंखें और भावहीन चेहरा लिए हुए नाश्ता लेकर हॉल में आई। भाई भाभी से मिलने की खुशी एक पल में ही चूर हो गई थी। उसे देखते ही अपेक्षा ने आगे बढ़कर चाय नाश्ते की ट्रे लेनी चाही, तो उसकी सास उसे रोकते हुए बोली, बहू रहने दो, ये कर लेगी, इसे तो यह सब काम करने की आदत है, तू बैठ आराम से मेरे पास। नंदिनी ने चुपचाप नाश्ते की ट्रे रखी और वहां से जाने लगी। अपेक्षा ने प्यार से कहा, नंदिनी यहाँ आओ, मेरे पास नहीं बैठोगी। तभी उसकी सास ने बीच में टोकते हुए कहा, इसका यहाँ क्या काम, जाने दो इसे, ये रसोई में अपना काम संभालेगी, तुम मुझसे बातें करो ना। अपेक्षा को अपनी सास का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और सोम वो क्या कहता, वो तो बचपन से ही यह सब देखता आ रहा था। और माँ को समझाने की लाख कोशिश कर चुका था, लेकिन उसे पता था कि उसकी माँ कुछ नहीं समझने वाली है। वह वहाँ से उठकर रसोई में अपनी बहन से मिलने चला गया और माँ उसे कड़ी नज़रों से घूरती रह गई। अपेक्षा थोड़ी देर में अपने कमरे में नहाने चली गई। दोपहर हो चुकी थी, सोम कहीं बाहर गया हुआ था। लंच का समय हो रहा था, इसीलिए नंदिनी अपेक्षा को बुलाने के लिए उसके कमरे की तरफ गई। तभी उसने सुना उसकी माँ अपेक्षा से बोल रही थी, देख बहू मुझे पता है यह नंदिनी तुझसे चिपकने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम उसे ज़्यादा भाव मत देना, यह तो मनहूस है, बचपन में अपने माँ को खा गई और उसके बाद उसके पिताजी भी नहीं रहे। मुझे देखो, मैं तो बस उससे काम भर का मतलब ही रखती हूँ। नंदिनी अपनी माँ के जहर भरे शब्द सुनकर जड़ हो गई।
उसका दिमाग सुन्न सा हो गया। अपेक्षा भी हैरानी से अपनी सास की बातें सुन रही थी। उसने विनम्र शब्दों में कहा, मम्मी जी वो मेरी ननद है, कोई नौकरानी नहीं, जो मैं उससे बस काम भर का मतलब रखूं। अगर आप नंदिनी को अपनी बेटी नहीं मान सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी ननद है और मैं इसे ननद का मान जरूर दूंगी। और अगर नंदिनी का साथ आपको बोझ की तरह लगता है तो आप चिंता मत करिए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। उसकी सास को अपेक्षा से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसका जवाब सुनकर वो निशब्द हो गई। वहीं नंदिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और अपनी भाभी का खुद के लिए निश्चल प्रेम देखकर उसके मन में सुकून भर आया कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसे सच्चा प्यार करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।